हेलो। हाँ जी नमस्कार, सत श्री अकाल। इमिग्रेशन लाइव के एक नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, हम लोग कोशिश करते हैं हर एक एपिसोड में कोई नई इंफॉर्मेटिव चीज़ आपके लिए लेके आई जाए, और हमारी सपोर्ट करते हैं ऑजिस ग्रुप पर्थ की सारी टीम। और आज हमारे साथ है मैम प्रीति पुरी। मैम वेलकम टू द प्रोग्राम। मैम थैंक थैंक यू। यू। और जो आज का हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम है, हम लोग बात करेंगे स्पाउस वीज़ा के ऊपर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग इंडिया में चाहे ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी बात, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट एलन टच, जो उनका एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, एक मीडिया रिलीज आया है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद तीसरी चीज़ होगी स्टेट नॉमिनेशन के ऊपर, जो उनका कोटा और उनके बजट के रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैम हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट मैम। हाँ नो वरीज, थैंक यू। जी हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अपोलोजाइज फॉर माई वेरी बैड थ्रोट टुडे। आई हैव बिन शाउटिंग अ लॉट लुक्स लाइक ओवर द वीकेंड। बट आज का जो हमारा सेशन है वो हम किसी भी वीज़ाज या किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे नहीं बात कर हाँ रहे जी हैं। हाँ जी आज जो है वो लाइव सेशन हमारा इन्फॉर्मेटिव सेशन है, जो आजकल अभी मीडिया रिलीज जो हुई है, हाँ जी प्लस आगे फ्यूचर प्लान हमारे माइग्रेशन का क्या है, प्लस जो स्पाउस वीज़ास की जो एप्लीकेशंस जो पेंडिंग हैं उनके बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो कल हमारा मीडिया रिलीज़ हुआ हाँ था, जी जो विच वॉज रिलीज बाय एक्टिंग इमिग्रेशन मिनिस्टर एलन टच हाँ जी अलॉन्ग विद द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डैन टेहन। उन्होंने कल जो रिलीज़ करा दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, बिकॉज बहुत देर से हमारे पास बहुत सारी सब लोगों को बहुत ज़्यादा दे ऑल वॉन्टेड टू नो कि वो लोग जो बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर रह गए हैं, उनकी 2 ईयर्स की स्टडी का क्या होगा, उनके हमारा जिन्होंने एप्लीकेशंस डाली हुई थी उनका क्या होगा, एंड हैंस एंड फोर्थ नॉट, बहुत सारे क्वेश्चंस थे सब हाँ जी लोगों हाँ जी के। तो काफ़ी आंसर्स हमें कल मिले हैं जो कि मीडिया रिलीज स्टेटमेंट में उन्होंने हाँ जी दिए हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट में अभी हमारे पास उनका कुछ लेजिस्लेटिव पॉलिसी नहीं आई हाँ है, जी विच विल फॉलो जब ये एक बार रिलीज स्टेटमेंट्स के बाद हो जाएगा। हाँ जी सो कल सबसे पहली अनाउंसमेंट, 5 मेजर अनाउंसमेंट्स उन्होंने करी हैं, जिसमें से पहली अनाउंसमेंट है कि जिन लोगों ने अपने स्टूडेंट वीज़ास की एप्लीकेशंस डाल रखी हैं एंड जो पेंडिंग एप्लीकेशंस थी, हाँ जी अभी तक हमें ये था कि जितनी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं वो सब होल्ड हैं, जो ऑफशोर की एप्लीकेशंस हैं, तो वो एप्लीकेशंस अब प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही बॉर्डर्स खुलेंगे सो दैट बच्चों को वेट ना करनी पड़े हाँ आने जी के लिए, तो वो डायरेक्टली इधर आ सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ हाँ बिकॉज, जी बट ये अभी उन्होंने सिर्फ स्टूडेंट वीज़ास के लिए करा है। अगर आपका स्टूडेंट डिपेंडेंट है, 485 डिपेंडेंट हाँ जी एप्लीकेशन है, या कोई और ऑफशोर की एप्लीकेशन है, उसके लिए अभी कोई रिलीज स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोला हाँ गया। जी ये स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स के लिए जिन्होंने एप्लीकेशंस डाली हुई हैं ऑफशोर से। एंड अगर जैसे ये ग्रांट हो जाते हैं वीज़ास, राइट, एंड अभी आपकी कंट्री का बॉर्डर नहीं खुला है या फिर ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स नहीं खुले हैं, या आप जिस स्टेट में जाके पढ़ना चाहते हैं उस स्टेट के बॉर्डर्स क्लोज्ड हैं, जैसे अभी विक्टोरिया का हाँ हमें जी लगता है कि बॉर्डर्स ज़्यादा देर तक क्लोज रहेंगे, तो आप बिल्कुल ऑनलाइन अपनी स्टडीज ऑफशोर से शुरू कर सकते हैं। द वेरी गुड पॉइंट इन दिस इज कि जो आप ऑनलाइन स्टडी ऑफशोर से करेंगे वो 2 ईयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टडी में काउंट होगा। ओके वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज जो 2 ईयर्स ऑस्ट्रेलियन स्टडी की हमारी लेजिस्लेटिव पॉलिसी और रेगुलेशन जो है वो कहती है कि कुछ भी ऑनलाइन मोड का स्टडी जो है वो इसमें कंसीडर नहीं किया हाँ जी जाएगा। बट इसमें इस कोविड सिचुएशन के लिए स्पेशली उन्होंने किया कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वो 2 ईयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टडी में माना जाएगा। अब ये 2 ईयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टडी हमारी कहाँ काम आती है, हमारे पॉइंट सिस्टम में, हाँ जी राइट। तो इन पॉइंट सिस्टम में जो हमें 5 पॉइंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टडी मिलता है वो हमें जरूर मिलेगा।
जो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे अराइज होता है कि क्या हमें रीजनल स्टडी के पॉइंट्स मिलेंगे कि नहीं, ये अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है। जैसे लेट्स से कि हमारी यूनिवर्सिटी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रीजनल है, तो उसमें 2 ईयर्स स्टडी करने के हमें एडिशनल 5 पॉइंट्स रीजनल के मिलते हैं। अब उसमें उन बच्चों का क्या रहेगा, वो हमारी उन क्वेरी है उनके साथ, और जैसे ही उसका अपडेट मिलेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। और स्टेट नॉमिनेशन जो 2 ईयर्स की स्टडी के लिए हमें ये लगता है कि सारी स्टेट सारी रीजनल स्टडी रोल ओवर होएंगी इसी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको इस चीज़ का कम बेनिफिट क्यों हो, राइट। और वो डिपेंड करेगा कि आप ऑनलाइन स्टडी मोड जो है अपनी कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हैं। अगर आप रीजनल यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अस आपको पॉइंट्स उसके मिलने चाहिए, बट अभी उसका कुछ भी डेफिनेटिव आंसर नहीं मिला है। जो ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन स्टडी के 5 पॉइंट्स हैं वो हम ज़रूर क्लेम कर सकते हैं जब हमारी स्टडी फिनिश हो जाएगी, या फिर कहीं और जहाँ पे भी वो यूज़ होता है, चाहे वो ग्रेजुएट वीज़ा के लिए ही क्यों ना यूज़ होता हो, 2 ईयर स्टडी प्रोग्राम की थ्रू आउट लेजिस्लेशन में जहाँ जहाँ वो यूज़ होता है वो पीरियड एज बीइंग इन ऑस्ट्रेलिया काउंट किया जाएगा। ओके, नो मैम, आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा। ये प्रोग्राम इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जैसे अभी जो प्रेस रिलीज हुआ मीडिया का, तो उन्होंने ये बोल दिया भी ऑनलाइन स्टडी चालू हो जाएगी और जो वीज़े ग्रांट होने चालू हो जाएंगे, मतलब जो अभी पूरा स्कूल के वो चीज़ सामने नहीं आई पूरा प्रोसेस का। पर बहुत सारे माइग्रेशन एजेंट यहाँ पे नहीं इंडिया में उसको गलत तरीके से प्रमोट करते हैं भी, अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये बोल दिया अभी वीज़े चालू हो गए, पर सिर्फ वीज़े हुए अभी फ्लाइट चालू नहीं हुई। जब तक कंट्रीज़ के बॉर्डर नहीं खुलेंगे तो तब तक आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ सकते। तो अगर आपने फाइल डाली हुई है या फाइल डालने के बारे में सोच रहे हो यहाँ से नहीं इंडिया से, तो एक बार ये चीज़ें ज़रूर कंसिडर कर लें। एग्जैक्टली, हाँ जी, बिकॉज बहुत सारे अभी जैसे मेरे पास पिछले 10 या 15 दिनों में ही कितने लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आए कि उनको स्टडी के लिए एप्लीकेशन स्टूडेंट वीज़ास की डालनी है, ऑफशोर हैं वो लोग, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ से ऑफर लेटर्स अगर उनको इशू करती हैं और वो स्टूडेंट वीज़ा वो नेक्स्ट फेब्रुअरी इनटेक के लिए भी लेते हैं, वो अपनी ऑनलाइन स्टडी शुरू कर सकते हैं विदाउट एंटरिंग ऑस्ट्रेलिया अगर हमारे पास उनका कुछ अपडेट बॉर्डर्स नहीं खुले हैं तो, राइट। तीसरी चीज़ है कि लेट्स से कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं या फिर इवन ऑफशोर भी हैं और बिकॉज ऑफ कोविड अपना कोर्स टाइमली नहीं फिनिश कर सके फॉर एनी रीज़न, दैट कुड बी कि यूनिवर्सिटी की क्लासेस नहीं पूरी लगी हैं, वो यूनिट्स पिक नहीं कर सके, अवेलेबिलिटी उस यूनिट के ऑनलाइन उस सेमेस्टर में नहीं थी, और आप वही सेम कोर्स अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, कोर्स चेंज में नहीं, वही सेम कोर्स वही यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन आप करेंगे उसके आपके कोई फीस चार्जेस नहीं होंगे। दैट्स कंसेशनल फीस VAC, जो कि पहले भी हुआ करता था कि अगर कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज में से आप पढ़ रहे हैं, आपका कॉलेज बंद हो गया है, बंद होने की वजह से आपका कोर्स टाइमली नहीं खत्म हुआ, तो आपको जो स्टूडेंट एक्सटेंशन डालना होता था उसकी कोई फीस चार्ज नहीं होती थी, आपको वो मेंशन करना होता है उसमें। यही चीज अब उन्होंने कोविड सिचुएशन में भी इम्प्लीमेंट करी है कि अगर आपने स्टूडेंट वीजा अपना कोर्स बिकॉज ऑफ कोविड विद इन टाइम फ्रेम नहीं फिनिश कर पाए हैं तो आपको स्टूडेंट एक्सटेंशन के कोई चार्ज नहीं लगेंगे, विच इज क्वाइट अ लॉट ऑलवेज, बिकॉज सब्सिक्वेंट एंट्रेंट होता है और कई बार आपके साथ प्राइमरी एप्लीकेंट के साथ किड्स हैं, सेकेंडरी एप्लीकेंट है, सो दैट सेव्स मनी। तो ये सिर्फ इमिग्रेशन फीस, ये इमिग्रेशन फीस की बात है डेफिनेटली, बाकी जो एजेंट की फीस है या फिर जो कॉलेज की फीस है वो तो वैसे ही रहेगी, एंड मे बी फ्यू एजेंट्स में कम अप विद कि दे आल्सो डिक्लेयर द फ्री चार्जेस। इसमें मैम एक और बात है, अभी बहुत सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज ये कोविड की वजह से अगर आपकी जॉब गई है तो अलग कंसेशन देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को,
तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, अगर आपकी जॉब जेन्युइनली आपकी जॉब गई है, जब आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो अपनी यूनिवर्सिटी से बात करो, कम से कम उनको अपनी जो सिचुएशन है वो क्लियर करो, तो हो सकता है कोई ना कोई आपको डिस्काउंट मिल जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से। डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग्स और ग्रांट्स भी एलोकेट हुए हैं या उसके ऊपर वो वर्कआउट कर रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स के बिना नहीं है और स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज के बिना, सो दिस गोज हैंड इन हैंड। सो हर यूनिवर्सिटीज ने अपने डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस करे हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट करी हैं। अब हर यूनिवर्सिटी का वो डिफरेंट है, मैं हर यूनिवर्सिटी की अब इस टाइम बात नहीं कर सकती, तो आप ज़रूर अपने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे बात करिए और जो मैक्सिमम क्राइटेरिया या बेनिफिट्स आप अवेल कर सकते हैं हम से कहते हैं कि आप ज़रूर उस चीज़ को लीजिएगा। और जो फोर्थ अनाउंसमेंट उन्होंने करी है वो है ग्रेजुएट वीज़ा की। अभी क्या है कि हमें 485 वीज़ा जब डालना होता है, ये हम तब डालते हैं जब हमारी कोर्स और हमारी स्टडीज़ फिनिश हो जाती हैं। सो ये उन्होंने बोला है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा है, नॉट द ग्रेजुएट, एक होता है हमारा ग्रेजुएट स्ट्रीम, एक है पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम। पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम होती है जिन्होंने बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री ऑस्ट्रेलिया से फिनिश करी है। अगर आप ने वो डिग्री फिनिश करी है, 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ग्रेजुएट वीज़ा डालना होता है। तो ये ग्रेजुएट वीज़ा डालने के लिए आपको ऑनशोर होना कंपलसरी है। अगर आप ऑनशोर नहीं है तो आप ये नहीं डाल सकते। हाउएवर नहीं, जो कल रिलीज करी है स्टेटमेंट, उन्होंने बोला है कि अगर आप ऑफशोर भी हैं आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करिएगा। इसका प्रोसेस नहीं बताया बिकॉज ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आगे जाएगी ही नहीं, मे बी वो पेपर एप्लीकेशन करेंगे और कुछ रिक्वायरमेंट्स अभी हमें क्लियर नहीं हुई हैं कि कैसे करेंगे, क्या वो ऑनलाइन सिस्टम में से करंटली आप कहाँ पर हैं उसका कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए या क्या, इससे जो भी रिलेटेड होगा विल गिव यू फर्दर न्यूज ऑल्सो। बट द गुड न्यूज इज कि आप अब 2 ईयर्स की स्टडी करने के बाद अगर आप वैसे ही घर गए थे और आप स्टक हो गए हैं, आपको 6 मंथ्स की जो कंसेशन मिलेगा कि विद इन 6 मंथ्स डालनी थी एप्लीकेशन और आप ऑनशोर ही होने चाहिए थे, वो दोनों में आपको कंसेशन मिलेगा। आप ऑफशोर से भी डाल सकते हैं एंड मोर देन 6 मंथ्स अगो भी आपका कोर्स फिनिश हुआ है उसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहेगी। हाँ जी वो, एंड आई रिक्वेस्ट अगेन कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम के लिए है जिन्होंने बैचलर्स या फिर मास्टर्स लेवल 7 एंड अबव की स्टडीज फिनिश करी हैं। हाँ जी, हम इसमें भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे, चाहे यहाँ पे थे चाहे इंडिया में, वो पैनिक की सिचुएशन उनमें बहुत ज़्यादा बन गई थी। तो पैनिक की सिचुएशन हमने जब शुरू किया था, जब 2-3 महीने पहले ये सब कुछ हुआ, हमने उस टाइम ही क्लियर किया था। हमारे साथ धर्मेंद्र सर भी थे उस टाइम पे, तो उन्होंने किया था भी कोई ना कोई चीज़ें ऐसी इमिग्रेशन पॉलिसीज जरूर चेंज होगी, ठीक है, जो स्टूडेंट के उनके फ़ायदे के लिए होगी। Exactly. तो अभी ये अपडेट्स आई हैं, चाहे 5 अपडेट हैं, पर मुझे लगता है जिस हिसाब से अभी टाइम चेंज हो रहा है, जो भी हालात बन रहे उसके हिसाब से और भी अपडेट्स आएंगी। हाँ डेफिनेटली अपडेट्स, बिकॉज आप ये देखिए ना, जो एक लेजिस्लेशन एक्ट और पॉलिसी को बनाने में इन्होंने सालों लगा दिए, वो सब नल एंड वॉइड हो गया। हाँ जी, कोविड एक ऐसी सिचुएशन है जिसने ना कभी किसके बारे में सोचा था ना हुआ, तो कोई पॉलिसी कोई एक्ट उसके अकॉर्डिंगली कभी बना ही नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। और उन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट बहुत रिग्रेसली टायरलेसली वर्क कर रही है। हमें यहाँ बैठ के ये नहीं लगता कि उनको, क्योंकि एक दिन में तो वो भी पॉलिसी को टर्न अराउंड नहीं कर सकते, एक पूरा प्रोसेस है उसके पीछे, दे हैव टू गो थ्रू दैट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एंड जो लास्ट उन्होंने अनाउंसमेंट करी है, दैट्स अबाउट द पीटी। फेब्रवरी मार्च अप्रैल के आसपास मेरे को मतलब अनगिनत फोन कॉल्स आते थे अबाउट जिन्होंने अपने ग्रेजुएट वीज़ाज डालने थे बट उनको पीटी या फिर इंग्लिश का कोई भी टेस्ट डेट नहीं मिल रही थी, बिकॉज जिन्होंने टेस्ट डेट्स अपनी बुक भी कराई हुई थी वो भी कैंसिल हो गई थी, और फिर उनको अपने ग्रेजुएट वीज़ाज या लॉन्च करने थे, उस वजह से
बहुत सारे उस टाइम हमने ये एडवाइस करा था कि आप अपना बेस्ट एफर्ट्स दिखा के कि आपने एफर्ट किया है इंग्लिश टेस्ट के लिए सिट करने के लिए एंड आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दीजिए. बट उस टाइम ये लेजिस्लेशन अपडेट नहीं हुआ था. अब कल जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि अगर बिकॉज आपका जो इंग्लिश का टेस्ट है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए आपके पास, बट अभी ये कंसेशन है कि वो ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑल्सो, जैसे आपका एप्लीकेशन अब प्रोसेस में हो रहा होगा, आप इंग्लिश एग्जाम दे सकते हैं और वो एग्जाम भी एक्सेप्टेबल होगा. बिकॉज लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि अब आज मैं अगर 485 अपना डाल रही हूँ और वो 485 में डाल रही हूँ और मेरे पास इंग्लिश टेस्ट की सब डेट्स अवेलेबल है, तो मैं डालने के बाद इंग्लिश टेस्ट नहीं दे सकती. ये उन लोगों के लिए है कि जो कोविड में सिचुएशन में जिनके टेस्ट कैंसिल हो गए थे, जिन्होंने 485 अपना विदाउट टेस्ट डाल दिया था, उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज नहीं होंगी. उनको चांस दिया जाएगा इंग्लिश टेस्ट का आउटकम देने के लिए लॉजमेंट के बाद भी. इसमें मैम सॉरी, इसमें एक चीज़ और हो सकती है, जैसे अभी अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो उनको ईमेल जाती है या किसी ना किसी तरीके से उनको नोटिफाई किया जाता है भी आपका एग्ज़ाम जो भी कैंसिल हो गया है. तो नॉर्मली अगर जो टेस्ट सेंटर की तरफ से कैंसिल होता है तो रीस्केड्यूल भी खुद ही करके देते हैं, उसमें कोई फीस वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती. तो अगर उन सब केसेस में आपके पास एटलीस्ट प्रूफ होता है दिखाने के लिए इमिग्रेशन को, ये देखो हमने ट्राई किया था, तो ये जो कोचिंग सेंटर या पीटी वालों ने रिस्केड्यूल कर दिया, कोई विदाउट प्रूफ या विदाउट किसी ऐसी चीज़ के बिना मुझे लगता नहीं आप उसमें मिडल ऑफ द एप्लीकेशन आप पीटी उसमें अलाउड हो सकता है. मैम क्या आपको प्रूफ देना पड़ेगा? देखो अगर तो हमारे पास प्रूफ होगा तो बहुत स्ट्रांग है, बट अगर वो एप्लीकेशन उसी टाइम की होगी जब पीटी के टेस्ट अवेलेबल ही नहीं थी डेट्स. लेट्स से कि मैं ऑनलाइन जा रही हूँ और मेरे को दिख रहा है कि मेरे को आज बुक कराना है बट मैं कुछ बुक ही नहीं करा पा रही मेरी एक्सपायरी डेट से पहले, और उसके स्क्रीनशॉट्स भी अगर हमने रखे हैं, वैसे तो वो इन्फॉर्मेशन भी नेट पे अभी भी अवेलेबल होगी कि कितनी देर के लिए टेस्ट की जो डेट्स थी वो अवेलेबल ही नहीं थी. तो उसके साथ एक छोटा सा सबमिशन बना के कि मेरा इस दिन कोर्स फिनिश हुआ, उसके बाद मैंने इस दिन सोचा कि मेरा वीज़ा एक्सपायर होने में अभी 15 दिन पड़े हैं और एक में बीच में टेस्ट के लिए हम बुक कर सकते थे डेट, लेकिन कुछ अवेलेबल ही नहीं था कोविड की वजह से. तो उन लोगों को भी वो इस सिचुएशन में मान सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने बुक कर दिया उनका तो ठीक है, जिनका सिचुएशन में बुक ही नहीं कर पाए टेस्ट, बुक नहीं करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, दे विल स्टिल बी कंसीडर्ड बिकॉज उस टाइम कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं था, जो जनरली हर हफ्ते या हर थोड़े दिनों बाद एक टेस्ट डेट अवेलेबल होती थी. आई एम टॉकिंग अबाउट फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में जितने भी टेस्ट डेट्स जो कि कैंसिल हो गए और आपने विदाउट इंग्लिश अपना 485 लॉन्च कर दिया था, उनको ये कंसेशंस मिलेंगे. और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लॉन्च किया था, क्योंकि स्टूडेंट फर्दर डाल, उनके पास उस टाइम ऑप्शंस ही दो थी, या तो दोबारा स्टूडेंट फर्दर डालिएगा या फिर 485. स्टूडेंट एक बार स्टडी फिनिश कर दी है, सब कुछ कर लिया, हमारी 485 की एलिजिबिलिटी बन गई है, स्टूडेंट दोबारा डालने पे बहुत सारा कॉस्ट मैटर करता था, उसके अंदर फाइनेंशियल शो करने हैं, मे बी इंग्लिश चाहिए हो मे बी नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन कि आप नेक्स्ट कोर्स क्या कर रहे हैं. सो 485 के लिए काफी रिकमेंडेशंस थे कि आप लॉन्च करिएगा. और उसके बाद मैम जो स्पाउस वीज़ा के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए, जो जो लोग यहाँ पे हैं, जो जिनके पार्टनर्स ऑस्ट्रेलिया में और ख़ुद भी वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं इस टाइम पे, और जो लोग अभी इंडिया में थे जिनके पार्टनर्स चाहे स्टूडेंट वीज़ास पे हैं चाहे परमानेंट है, वो जिनकी फाइल इंडिया से लगी, दोनों का टाइम फ्रेम और क्या अभी चल रहा है बिहाइंड. सो फॉर स्पाउस वीज़ा जो अनाउंसमेंट है, अभी हमने देखा है कि हमारी काफ़ी एप्लीकेशंस सब ओपन हो रही हैं क्विकली एंड केस ऑफिसर्स एलोकेट हो रहे हैं. तो अगर तो आपने पार्टनर वीज़ा, आई एम टॉकिंग अबाउट परमानेंट रेजिडेंट और द फर्स्ट प्रोविजनल पार्टनर वीज़ा, ये स्टूडेंट डिपेंडेंट या 485 डिपेंडेंट या टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर डिपेंडेंट की बात नहीं है, स्पाउस वीज़ा जो हमारा पार्टनर वीज़ा होता है उसकी है.
अगर आपकी वो एप्लीकेशंस हैं, आप उसको डिसीजन रेडी करिए, आप अपना पीसीसी करवा के रखिए, जितने आपके रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको अपलोड करके रखिए, क्योंकि जैसे ही आप आजकल ऑफिसर्स वो फाइल्स पिक कर रहे हैं, जैसे ही ऑफिसर पिक करेगा फाइल, अगर सारा कुछ डिसीजन रेडी होगा, वो आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेंगे एंड सीधा ग्रांट आ जाएगा आपका, विच इज़ गुड। और फिर अगर आपका ग्रांट आ जाता है देन आप एलिजिबल हो जाते हो ट्रैवल एग्जाम्पशन के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर जो ट्रैवल एग्जाम्पशन है वो है कि अगर आपका स्पाउस ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन है तो आप ट्रैवल कर सकते हो, चाहे वो आपके साथ ऑफशोर है या फिर वो ऑनशोर है और आप ऑफशोर हो, डजंट मैटर, ये नहीं फर्क पड़ता कि स्पाउस कहाँ पर है इस टाइम पे, आई मीन जो प्राइमरी जो स्पॉन्सर स्पाउस है, हाँ जी, हाँ जी, राइट, आप उनके साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं उनके बिना अगर वो यहाँ पर हैं, बट उसके लिए हमें ग्रांट चाहिए वीजा एप्लीकेशन का। बहुत बार पहले ये होता था कि हम अपना पार्टनर वीजा डाल देते हैं ऑफशोर से, फिर हम विजिटर वीजा डालते थे यहाँ आने के लिए, हाँ कि हम अपना बाकी का टाइम उस तरह यहाँ स्पेंड कर सकें, हाँ जी। वो विजिटर वीजा अभी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, आप चाहे उनके स्पाउस हैं लेकिन आपको एक वैलिड वीजा चाहिए, अगर आपने उस टाइम विजिटर वीजा की एप्लीकेशन डाली है वो रिफ्यूज हो रही है बिकॉज वो टेम्परेरी वीजा की, हाँ है, बट इन दैट केस आपके स्पाउस वीजा की एप्लीकेशन क्विकली प्रोसेसिंग में शुरू हो चुकी है, बहुत तेजी से उसकी जो क्यू है वो फिनिश कर रहे हैं वो, सो ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आपके डॉक्यूमेंटेशन अपनी सबकी अपलोड करके रखिए, डिसीजन रेडी एप्लीकेशन बना के रखिए, सो दैट जब ऑफिसर एलोकेट हो आपकी फाइल को वो पिक करे तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा ना हो कि उसको चाहिए हो। इसमें मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं आपके जो हमें करवाने होते हैं वो होते हैं मेडिकल्स, वो हम जनरली पहले नहीं कराते क्योंकि वो वैलिड होते हैं 12 मंथ्स के लिए, इसका प्रोसेसिंग उससे ज़्यादा है। अगर आपकी नई एप्लीकेशन भी है 7-8 मंथ्स पुरानी भी है या उससे भी कम है, आप अपने मेडिकल्स भी करा लीजिए, वो भी फाइनलाइज कर लीजिए, प्लस अपना AFP PCC जितने भी आपके पुलिस क्लियरेंसेज हैं वो सब, क्योंकि जनरली हम ये वेट करते हैं ऑफिसर के एलोकेट होने की, बट आप वो सब अपना करा लीजिए बिकॉज सारी एप्लीकेशंस वो पिक कर रहे हैं, चाहे वो पुरानी एप्लीकेशंस हैं चाहे वो रिसेंटली लॉस्ड हैं। और प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो हमारे रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट होता है, उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं, स्पाउस की स्टेटमेंट्स होती हैं, एप्लीकेंट की स्टेटमेंट्स होती हैं, बाकी और एफिडेविट्स आपने अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से लिए हैं, फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, जेन्युइन एंड कॉन्टिन्यूइंग रिलेशनशिप के जितना डॉक्यूमेंटेशन है सब अपलोड करके रखिएगा। अनदर थिंग इम्पॉर्टेंट इज कि इसके अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपलोड कर सकते हैं। हमने ये बहुत बार देखा कि पार्टनर वीज़ा में जो जिन्होंने खुद एप्लीकेशंस करी होती हैं वो एक एक करके एक एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं, और मैक्सिमम लिमिट जब खत्म हो जाती है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रह जाते हैं, और उसके बाद हम वो अपलोड ही नहीं कर सकते। तो वी जनरली से कि आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का एक PDF बनाइए, उसका रिड्यूस साइज को अपलोड करिए, 5 MB से ज़्यादा आपका नहीं कर सकते। तो अगर आपका PDF जो है आपने बना लिया है, एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं आपके, जैसे जनरली मेरा प्रैक्टिस क्या रहता है कि जनवरी टू जून या जनवरी टू मार्च के रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स उनका एक ही PDF बनाया और उसको भी रिड्यूस साइज किया कि उसके अंदर जितना ज़्यादा ऐड हो सकता है 5 MB की सारे हमने अपलोड्स किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास बहुत बार फाइल्स आती हैं जिसमें कि मैक्सिमम लोड लिमिट अपलोड लिमिट के बाद आती हैं और फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, फिर ऑफिसर भी जब एलोकेट होता है वो बोलेगा कि ठीक है आप मुझे फिर ईमेल के थ्रू करिए, और वो प्रोसेस को बहुत ज़्यादा डिले करता है, एंड बहुत ज़्यादा से मतलब कुछ 2-3 महीने नहीं, कम से कम अबाउट 1 ईयर का उसके अंदर डिले हो जाता है। सो ये प्रोसेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाउस वीज़ा के लिए। मैम इसमें भी एक और चीज़ ऐड कर बोल सकते हैं, अभी बहुत सारे लोग होते हैं अभी थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में चाहे खुद ही फाइल लगा देते हैं, अभी जैसे स्टूडेंट वीज़ा किसी ने स्टडी करी कोई मतलब मास्टर्स डिग्री करी तो वो कॉलेज की फ़ीस और सब पे आउट करने के बाद उसके बाद जब 485 डालने की मतलब कोई ज़्यादा उसमें कॉस्ट नहीं आती पर वो पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही फाइल डाल देते हैं इमिग्रेशन में, और
कई बार जैसे अभी आज से लाइक 6-7 महीने और पहले की बात करें, जैसे उन्होंने आईलेस अटैच नहीं किया या कोई पुलिस स्क्रीन जो भी सर्टिफिकेट वो उसमें अटैच नहीं किया, तो कई बार वो छोटी गलती की होने की वजह से फाइल रिफ्यूज़ हो जाती है। तो रिक्वेस्ट ये भी, अगर कोई भी आपकी आपको एडवाइस चाहिए होती है तो यहाँ पे आओ, मैम से बात करो, धर्मेंद्र सर, किसी भी लाइक माइग्रेशन एजेंट ऑफिस ग्रुप में बात करो। अभी तो नया ऑफिस भी खुल गया है, हाँ, आज से हमारा कैनिंगविल ऑफिस भी ऑपरेट हो गया है। वी रिक्वेस्ट यू ऑल कम एंड सपोर्ट अस फॉर द कैनिंगविल ऑफिस। हाँ जी, यप, उसका एड्रेस है 152 कैना ड्राइव, कैनिंगविल। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो रिक्वेस्ट यही है भी, कोई भी आपको एडवाइस चाहिए हो तो एक बार आप ऑजिस ग्रुप की इतनी एक्सपीरियंस टीम है, इनको आके जरूर मिलें, इनकी एडवाइस लें, ठीक है। तो एडवाइस लेंगे अगर आपको, डेफिनेटली मैं दावा कर सकता हूँ इनकी जो ये एडवाइस देंगे वो आपको कहीं और पे नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगा भी, चाहे कई माइग्रेशन एजेंट्स होते हैं भी, आपको वैरायटी ऑफ कॉलेजेस या वैरायटी ऑफ कोर्सेज नहीं दे सकते, क्योंकि उनके चाहे टाई अप्स बोल सकते हो, चाहे वो लिमिटेड होते हैं, पर अगर आप ऑजिस ग्रुप यहाँ पे आते हो तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस की और बहुत सारे कोर्सेज की ऑप्शंस मिल जाती हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कोई ऐसा कॉलेज है या ऐसी यूनिवर्सिटी है जो लाइक ऑजिस ग्रुप के साथ मतलब ये सब लोग एफिलेटेड नहीं है। तो कोशिश यही है भी अच्छे माइग्रेशन एजेंट के पास जाके उसे जो ऑनेस्ट एडवाइस आप लीजिए। एंड मोर ओवर ऑन टॉप ऑफ दैट 485 के हमारे कोई कंसल्टेशन चार्जेस नहीं है। हाँ जी, एंड यू वोंट बिलीव मेरे पास कितनी बार क्लाइंट ऐसे आते हैं जो कि 485 का एडवाइस लेने आए हैं, एंड हम क्या करते हैं, हम डॉज कर देते हैं 485 को, बिकॉज वो पीआर के लिए डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं। हाँ जी, तो उनको वो 485 लॉज भी नहीं करना पड़ता। बहुत बार मतलब एटलीस्ट 3 out of 10 या 4 out of 10 तो होते ही होते हैं ऐसे। सो उससे आपका मनी, आपका कॉस्ट, टाइम, सब कुछ बचता है। और जो एलिजिबिलिटी आज है, मे बी फिर जब आपका 485 खत्म हो रहा होगा आप तब आएंगे मिलने, वो एलिजिबिलिटी उस टाइम नहीं रहेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग हमारी एजुकेशन टीम से मिलने आते हैं। हाँ जी, जब वो उनसे बैक, बिकॉज हम एजुकेशन टीम में ये नहीं करते कि बस पूछा क्या पढ़ना है और आगे कर दिया, पूरा बैकग्राउंड का चेक करते हैं कि क्या स्टडीज हैं। और एजुकेशन टीम फुली अवेयर एंड ट्रेंड है फॉर माइग्रेशन की ये कोर्सेज, ये स्टडी या ये एक्सपीरियंस अगर किसी का है तो वो रेजिडेंसी के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। हाँ जी, सो वो एजुकेशन एडवाइस की जगह वो माइग्रेशन एजेंट से उसकी एडवाइस लेके हम कई बार ये भी कर देते हैं। इनफैक्ट कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि आप नहीं तो आपकी वाइफ एलिजिबल होती है। हाँ जी, और हमें पता ही नहीं होता, और जब वो हमारे पास आते हैं तब उन्हें हम उन्हें बताते हैं कि आप नवंबर तक एलिजिबल थे। हाँ, अब बहुत लेट हो गया, बिकॉज एक्सपीरियंस कई चीज़ों में हमें विद इन लास्ट 5 years चाहिए होता है। जब तक वो आते हैं, पढ़ाई करते हैं, 485 खत्म करते हैं, जो इंडिया का एक्सपीरियंस होता है हाँ वो 5 साल से ज़्यादा पुराना हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, इतनी अच्छी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट उनकी मीट नहीं हो पाती जस्ट बिकॉज एक प्रोफेशनल एडवाइस नहीं लिया होता। सो 485 के लिए वी डोंट चार्ज यू, कम एंड सी अस, एंड वी आर मोर देन, वी डोंट चार्ज यू फॉर एनी कंसल्टेशन, कम एंड सी अस, वी आर मोर देन हैप्पी। एंड इफ यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल ईयर थ्रू अस, देन वी डोंट चार्ज यू फॉर लॉजमेंट ऑफ अ 485 वीजा ऑल्सो। सो देर आर लॉट ऑफ प्रमोशंस दैट्स गोइंग ऑन फॉर दिस वन। हाँ जी, इसमें एक और चीज़ हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जो अभी तो चलो फ्लाइट्स बंद है, ये लाइक जो कंट्रीज के बॉर्डर्स बंद है, पर जो अब इंडिया वाला माइग्रेशन एजेंट होता है उसकी काम करने का तरीका अलग होता है, वो जर्नी बिल्कुल अलग है। जब उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में आ गए, चाहे आपका पहला दिन है, पर वो जो इंडिया वाले माइग्रेशन एजेंट की रीच उधर ही ख़त्म हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है भी जो स्टूडेंट्स होते हैं या लोग होते हैं इतनी पढ़ाई में या कुछ भी करके इतना बिजी हो जाते हैं, 1.5 साल 1.5 साल निकाल देते हैं यहाँ पे माइग्रेशन एजेंट की एडवाइस लेते लेते। और कई बार उसमें ये होता है भी आपका जो कोर्स होता है, जब पुराना एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती। तो मैं यही कोशिश करता हूँ भी ऑस्ट्रेलिया आके पहले कम से कम 4-6 महीने के अंदर अंदर
एक्सपीरियंस माइग्रेशन एजेंट करें. हाँ जी एग्जैक्टली जरूर. हाँ जी ओके. नाउ वी गो टू द लास्ट अनाउंसमेंट फॉर टुडे व्हिच इज कि जो हम अभी बहुत सब ये हर जगह ये फैला हुआ है कि माइग्रेशन बंद हो गया. हाँ जी राइट. अक्टूबर तक अभी कुछ नहीं है. आई मीन इनडेफिनेटली बंद हो गया. ये पोस्ट और ये रीडिंग्स और ये सब हम देख रहे थे. इसका इस सिचुएशन का मतलब बेसिकली ये है कि अभी जो माइग्रेशन कोटा है वो नया कोटा हमारा रिलीज नहीं हुआ है. जितने भी हमारे ग्रांट्स आने होते हैं या जितने भी हमारे इनविटेशंस आने होते हैं वो कोटे के बेस पर होते हैं. सो अबाउट 2 weeks अगो MIA जो माइग्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वो सब एजेंट्स के बिहाफ पे डिपार्टमेंट के साथ लियाज करता है और उन्होंने हमें एडवाइस किया है कि जो 2019 का कोटा है 2019-20 का जो कि हमारा जुलाई में फिनिश हो गया था वही हमारा अभी चलेगा कोटा जब तक नया कोटा रिलीज नहीं हो जाता. सो इसीलिए उसके बाद जो इनविटेशन राउंड भी जो है जो 11th को हर महीने होता है वो भी हुआ है और उसमें भी उन्होंने चाहे वो राउंड छोटा था कि जिसमें उन्होंने अबाउट 300 टोटल इनवाइट्स 194.91 के दिए बट स्टिल पिछले राउंड्स भी हमारे कोई ह्यूज राउंड्स नहीं गए थे. सो दैट मींस कि हमारा 2019-20 के कोटे में ही उन्होंने उन सबको इनवाइट किया है जो पुराना कोटा था. नया कोटा अक्टूबर में बजट के बाद रिलीज होगा. ऑन टॉप ऑफ दैट जो स्टेट माइग्रेशन है 190 और 491 ये जो पहली बात थी वो 189 की थी. 190 और 491 का जो है स्टेट्स जो है वो वेट कर रही हैं डिपार्टमेंट से अनाउंसमेंट की कोटे की जो कि ट्रेजरर मीटिंग जो है वो 23rd ऑफ जुलाई 2 दिनों के बाद है इसी हफ्ते में. जब एक बार वहां से ट्रेजरर मीटिंग जो हो जाएगी तो होपफुली वी आर वेरी होपफुल कि अगस्त के जो इनविटेशन राउंड्स हैं स्टेट के भी जो 190 के हैं 491 के हैं स्पेशली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के वो ओपन हो जाने चाहिए. सो एंड ऑफ दिस मंथ हमें ये क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट राउंड हमारा स्टेट का भी शुरू हो रहा है कि नहीं. वी डोंट थिंक सो कि ये सब कुछ अक्टूबर तक डिलेड या होल्ड रहेगा. उससे पहले पहले 190-491 जरूर हमारे शुरू हो जाएंगे उनके इनविटेशंस. बिकॉज जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी डिपार्टमेंट ने उसमें उन्होंने बोला है क्लियरली बोला है कि वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि 190 और 491 जो है वो हर स्टेट की प्रोग्रेस और इकोनॉमिक और ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. तो वो एक स्टेट की ग्रोथ को 12 महीने में से 1/4 ऑफ द ईयर 1/4 ऑफ द ईयर वो बंद नहीं कर सकते हैं. सो डेफिनेटली इस ट्रेजरर मीटिंग के बाद एंड ऑफ दिस मंथ में हमें ये चीज़ भी रिलीज हो जाएगी. ऑन टॉप ऑफ दैट जो पुराना ईयर का फाइनेंशियल ईयर का कोटा है जब तक नया नहीं हो जाता तब तक वो वैसे ही रहेगा. हाँ जी मैम अभी मुझे लगता है अभी 160,000 था कोटा. 160,000 का कोटा था करेक्ट. क्योंकि अभी सुनने में तो यह है अभी पॉपुलेशन भी ग्रो नहीं हो रही है लाइक ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की. तो माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी चीज़ है तो ये इतनी जल्दी बंद नहीं हो सकता. ये थोड़ा बॉर्डर्स का या कोरोना की वजह से थोड़ा जैसे डिलेड प्रोसेस है बट बंद नहीं हो सकता. हाँ जी अभी खबरें आ रही है अभी चल रहा है शायद अभी विद इन दिस ईयर कोई मेडिसिन बन जाए इसकी तो ओवरऑल एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक अगेन. वी ऑल होप दैट एंड वी ऑल प्रे फॉर दैट. कोई और इंफॉर्मेशन मैम अगर आप दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गॉट एंड एंड ऑफ दिस वीक हम फिर से अनाउंस करेंगे जैसे ही ट्रेजरर की मीटिंग हो जाती है जितने भी अपडेट्स होंगे एंड वी विल स्टे ट्यून्ड विद दैट वन. ओके सॉरी फॉर वी फॉरगॉट द क्वेश्चंस. वी गॉट क्वेश्चन फ्रॉम वाशु सिंह. मेरी वाइफ डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी खत्म दिसंबर 2020. मेरा बेटा इंडिया में है हमें विजिटर वीज़ा लगा के आना चाहिए या कंबाइन 485 फाइल की ऑफशोर लगानी चाहिए. विष्णु अभी जैसे मैंने बताया कि ऑफशोर लॉजमेंट 485 का सिर्फ उनका होगा जिन्होंने बैचलर्स और मास्टर्स स्टडी करी है पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम में.
आपने आपने या आपकी वाइफ ने डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी किया है, तो आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएट स्ट्रीम की है। ग्रेजुएट स्ट्रीम के लिए उन्होंने ऑफशोर लॉजमेंट की एलिजिबिलिटी नहीं दी है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ऑनशोर हैं तो आप अपना 485 डालिएगा, और फिर उसके बाद जब आपका ग्रांट हो जाएगा तो उनका 485 सब्सिक्वेंट एंट्रेंट डालिएगा, और फिर वो आपके पास यहाँ आ सकते हैं। विजिटर वीज़ा मेरे को लगता है कि विल बी द लास्ट वन जो कि खुलेगा। अभी कंट्रीज विजिट करने के चांसेस और ट्रैवल्स तो नहीं है, तो वो मुझे लगता है कि वो डिले होगा। जैसे ही स्टडी फिनिश होती है आप ग्रेजुएट वीज़ा ऑनशोर से डालिए, और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट एंट्रेंट ऑफशोर से। सब्सिक्वेंट एंट्रेंट की रिक्वायरमेंट ऑनशोर और ऑफशोर दोनों ही मीट करती है। ओके, थैंक्स मैम। देन वी गॉट सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम रोहित। लाइक ब्रिजिंग वीजा बी इंडिया एक्सपायर हो जब TR अप्लाई है, पार्टनर वीजा पार्टनर ब्रिजिंग वीजा बी इंडिया एक्सपायर हो जाए, TR फाइल अप्लाई है। ओके, रोहित बत्तीस, रोहित मुझे क्वेश्चन ये लग रहा है कि आप ब्रिजिंग वीजा बी लेके इंडिया गए थे और आप अपनी TR अप्लाई कर चुके हैं, आपका पार्टनर यहाँ पर है, आप ऑफशोर हैं। 485 की एक रिक्वायरमेंट है कि एट द टाइम ऑफ डिसीजन आप ऑनशोर होने चाहिए। अभी आप प्रिंसिपल एप्लीकेंट थे तो आपकी एप्लीकेशन ऑन होल्ड रहेगी जब तक आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ जाएंगे फॉर ग्रांट। अगर आपकी वाइफ प्रिंसिपल एप्लीकेंट थी तो आपका ग्रांट जब हो जाएगा, तो उनका ग्रांट जब हो जाएगा तो आपका साथ में होगा और फिर आप ट्रैवल कर सकेंगे। Then we got a question from Gagandeep. Hi Preeti, I just finished MMIS course and I still have student visa till March 15. So I want to know what should I do now I can start my professional year in student visa, or I have to apply for any other visa to start PY. Okay, Gagandeep, अगर आपने MIS किया है, जनरली हमारी ये एडवाइस रहती है कि जितना लेट आप ग्रेजुएट वीज़ा को अप्लाई करेंगे उतना बेटर होता है, बिकॉज इसका टिक टॉक का जो टाइम है, बिकॉज आपको ये 2 years मिलेगा वो फ्रॉम ग्रांट मिलेगा। और रिसेंटली हमने अभी देखा है कि ऑटो ग्रांट्स भी 485 के बहुत सारे आए हैं, जैसे ही हमने लॉन्च किया 10 मिनट के अंदर हमें ग्रांट भी आ गया एप्लीकेशन का। सो इन योर सिचुएशन, लेकिन आपको PY शुरू करना है, जब तक आप PY शुरू नहीं करेंगे तब तक आपकी रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं मीट होगी। सो PY करने के लिए आपको ब्रिजिंग वीज़ा चाहिए 485 का, राइट? सो ये सारी सिचुएशन ये हो जाती है कि व्हाट टू डू फर्स्ट। PY के लिए आप अपना ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई करिए, बट उसको नॉन डिसीजन रेडी एप्लीकेशन करिए, सो दैट आपको ऑटो ग्रांट ना मिल जाए, बिकॉज ऑटो ग्रांट मिलेगा तो वो 3 months जो अभी आपके पास अवेलेबल होंगे दिसंबर टू मार्च PY करने के लिए, जिसमें कि आपका 3 महीने का PY खत्म हो जाएगा, वो आपकी खत्म हो जाएगी, राइट? वो एक लेवरेज जो है आपका नहीं रहेगा। सो आप नॉन डिसीजन रेडी एप्लीकेशन को अप्लाई करिएगा, जब विच मीन्स कि मेडिकल्स ना कर मत करिए, अपने सिर्फ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए। एंड इनफैक्ट 485 वीज़ा के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि इसको बहुत ध्यान से हम हैंडल करें, सो दैट ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे। एज आई जस्ट अनाउंस कि इफ़ यू डू द PY थ्रू अस, वी आर नॉट चार्जिंग यू फॉर अ 485 वीज़ा, सो ये आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। I'll highly recommend come and see us and I will do the needful for you. मैम, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म करके वो 485 पे जाना होता है उनको, ये होता है अभी फुल टाइम हो जाएंगे, फुल टाइम काम करेंगे। तो पर अकॉर्डिंग जैसे मैं सोचता हूँ भी, यहाँ पे रहने की आपको लाइक चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे चाहे 485 पे, आपको हर एक लाइक मंथली हो गया चाहे वीज़े की कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर आपको तीन चार महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो उनका बेनिफिट लो, क्योंकि एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली,
हर कोई ये सोचता है कि मैं जैसे ही 485 डाल दूंगा मेरे को फुल टाइम वर्क राइट्स आ जाएंगे. ये भी एक मिथ है, दिस इज नॉट करेक्ट. क्योंकि जब तक आपका करंट स्टूडेंट वीजा एक्सपायर नहीं होगा, आपका ब्रिजिंग वीजा इन इफेक्ट नहीं आएगा. ब्रिजिंग वीजा पे आपके पास निल कंडीशन है, स्टूडेंट वीजा पे तो आपके पास कंडीशन वही है कि आपको मेंटेन करके रखना है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपकी स्टडीज कोर्स जो है वो खत्म हो गया है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू वर्क फुल टाइम. सो जल्दी किस बात की उस सिचुएशन में, राइट? Then same from I think they got a next. How much score you need? 485 की requirement है English की, 6 overall, no less than 5 each, equivalent for PTE or TOEFL or any other accepted score which is CAE also. Okay, मैम AT का क्या time frame है? AT open before 2 months, so no response yet. आई डोंट नो कौन सी AAT थी आपकी, कि स्टूडेंट वीज़ा की थी या किस चीज़ की थी. वैसे जनरली 18 मंथ्स तो मिनिमम टाइम फ्रेम है AAT के ओपन होने का. और अगर ओपन हो गया है तो कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं है कि कितनी देर में उसका आउटकम आ जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका जो मेंबर है उसके पास करंट कितनी एप्लीकेशंस है. हर मेंबर के पास डिफरेंट है और हर मेंबर अपना केस लोड डिफरेंटली उसको हैंडल करता है. स्टूडेंट में हमने देखा है कि अगर आपकी कई बार AAT ओपन हुई है उसमें वो 10 महीने भी मेंबर लगा देते हैं आपकी एप्लीकेशन रिमिट करने के लिए या फिर डिसीजन देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को. वो कई बार ये भी चेक करना चाहते हैं कि जो आपने AAT में अपनी हियरिंग में बोला या सबमिट किया कि मैं आगे पढ़ती रहूंगी, मेरे बैचलर्स की स्टडी फिनिश हो रही है, ये वो क्लोजर टू द फिनिश ऑफ द कोर्स तक आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करते रहते हैं और फिर उसके बाद आपकी AAT रिमिट करते हैं. ये हमने बहुत ज्यादा सिचुएशंस में देखा है. Respected sir, I'm student of Federation University, recently completed my first semester online. I'm stuck in India, planning to have a defer for second semester. Please suggest me, is it right to have deferment for second semester? Beside different is not advisable, then is it right to take two subject in this semester? Okay, SP core. अभी जैसे हमने बोलता है कि जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुई है, आप उसमें अगर आप ऑफशोर हैं आप डेफर मत करिए, बिकॉज आपके जो 2 years ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टडी है जो आप ऑनलाइन भी अगर आप करते हैं तो वो आपकी काउंट होगी उसमें. तो आपका जितना जल्दी कोर्स फिनिश होगा उतना बेटर है आपके लिए. फेडरल यूनिवर्सिटी है, उनके पास डेफिनेटली ऑनलाइन स्टडी ऑप्शन भी होगा, आप वो करिए डेफर की जगह. ये मेरी This is my advice, because इससे आप अपना time waste नहीं करने हैं वहाँ पे India में भी बैठे हुए. Okay, no problem. इसमें एक और चीज़ बोल सकते हैं, basically अगर depend करता है, depend जो ना course, अगर आपका trade course है या कुछ भी course है तो आप online भी उसको पढ़ सकते हैं, like India में भी. अभी तो उन्होंने वो भी दूसरी और चीज़ हो गई है, जो भी आपकी पढ़ाई आप India में पढ़ोगे चाहे online कहीं पे भी पढ़ोगे वो पढ़ाई काउंट करी जाएगी, चाहे 2 साल की पढ़ाई है उसके बाद आपको 485 भी मिल सकता है, वो अलग चीज़ है. पर इतने टाइम तक मुझे लगता नहीं ये सब कुछ स्टक रहेगा. ओके, देन वी गॉट दिस वन और टू क्वेश्चंस. ओके सॉरी गाइस, वी आर जस्ट रन. फर्स्टली वी अपोलोजाइज कि हम लेट आज ऑनलाइन हुए, मैं स्टक हो गई थी एक केस में, एक एप्लीकेशन में, और अभी आई हैव टू रश. हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है, रेडी है, सो आई हैव टू गो फॉर दैट. बट आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो सारे के सारे आपके फेसबुक में ही इसी कमेंट बॉक्स में हम रिप्लाई करेंगे.
एंड नेक्स्ट को फॉर द नेक्स्ट वन आई प्रॉमिस हम वो सेशन को मेकअप करेंगे जरूर. थैंक यू वेरी मच. सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आप इतना प्यार देते हैं, इतनी सपोर्ट देते हैं. सो द सेम थिंग, नॉट नेक्स्ट वीक, द वीक आफ्टर हम लोग लाइव होंगे नया प्रोग्राम और नई इन्फॉर्मेशन लेके. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच.